वेलकम टू होम एंज बीम। आज हम बनाएंगे जम सूट जो बनेगा 5 to 6 ईयर ओल्ड गर्ल्स के लिए। इसके लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई हमें चाहिए 12 इंच। 12 इंच पर हम निशान लगा देंगे। हमारी फिटिंग है 6.5 की, 6.5 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारे टॉप के लिए कपड़ा तैयार है। इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम कंधों के लिए निशान लगाएंगे 5 पर। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 पर। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से हल्का सा निशान लगाएंगे। इस तरह अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यह हमारा टॉप का पार्ट कटकर तैयार है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके बीचों बीच से हम कटिंग करेंगे ताकि यहाँ पर हम बटन लगा सकें। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 इंच। इसकी लंबाई हमें चाहिए 2 इंच, क्योंकि पीछे का नेक छोटा होता है। इसलिए हम दोनों तरफ से 2-2 इंच लेके कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम फ्रंट के हिस्से में नेक की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई भी हम लेंगे 2 इंच। इसकी लंबाई हम लेंगे 3.5 इंच। इसको भी राउंड शेप में हम निशान लगा देंगे। इसको कट कर लेंगे। फ्रंट के हिस्से में बटन लगाने के लिए हमें आगे से पट्टी बनाने की जरूरत है। इस तरह हम पट्टी को कट कर लेंगे। जितना कट लग रहा है उस हिसाब से हम पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमने ली है 2 इंच। इस तरह हम 2 पट्टी कट कर लेंगे। अब हम जंप सूट के पेंट की कटिंग करेंगे। पेंट की चौड़ाई हमें चाहिए 6.5 इंच। उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर से एक बार बराबर कर लेंगे। हमें चौड़ाई चाहिए 6.5 इंच। 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इधर से हमें लंबाई चाहिए 7 इंच। 7 इंच का हम निशान लगा देंगे। चौड़ाई इस तरफ से हमें चाहिए 2 इंच। 2 इंच चौड़ा चाहिए। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा गोलाई में निशान लगाएंगे। हमारी लंबाई 19 इंच की। 19 इंच का निशान लगाते हैं। अब नीचे से फोल्ड करने के लिए हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर।
ढाई इंच एक्स्ट्रा पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह दोनों निशान बना देंगे। पाँच इंच नीचे से चौड़ा चाहिए हमें, पाँच इंच चौड़ा ही लेने के बाद इस तरफ से हम तिरछा मिला देंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह पूरा अच्छे से कट करने के बाद ये हमारे जंपसूट के पेंट की कटिंग तैयार है। जो हमने 19 इंच का निशान लगाया है उस पर हम कट लगा देंगे छोटे छोटे दो। यह हमारे टॉप की कटिंग तैयार है। अब टॉप के और पेंट के बीच में हमें बेल्ट लगाना है, जहाँ पर इलास्टिक आएगा उसके लिए हमने ये चार पट्टियाँ कट करके रखी है। ये इस तरह एक के ऊपर एक लगेगी और इनके बीच में इलास्टिक आएगा। टॉप के हिसाब से लंबाई लिए और चौड़ाई इसकी हमने 2 इंच ली है। इसी तरह ये हमारी पेंट टॉप और बेल्ट कटिंग करके तैयार है। इनके स्टिचिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मेंशन।